मुद्दा है जो उलझा हुआ है। जी हां, और वो है लश्कर के आतंकी राणा और हेडली का। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 4 से 6 हफ्ते में वो राणा और हेडली के 26/11 हमले से ताल्लुक को, उसके लिंक को जांच पूरी हो जाएगी और इसे वो सार्वजनिक करेंगे और उसी के बुनियाद पर दोनों के प्रत्यर्पण की मांग भी की जाएगी। ग्यारह के हमले की साजिश में राणा और हेडली के खिलाफ पुख्ता सबूत है। मुंबई हमले में FBI के सहयोग से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी राणा और हेडली की भूमिका की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लई ने कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान से भी भारत ने कुछ अहम सूचनाएं मांगी हैं। बोथ डेविड हेडली एंड राणा, दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर इन्वेस्टिगेशन। We expect that the investigations will take about 4 to 6 weeks, and as soon as the investigations are completed, the National Investigative Agency would file the necessary charges. जांच पूरी होने के बाद भारत राणा हेडली के प्रत्यर्पण की भी मांग करेगा। Once we file the charge sheet, we will definitely be seeking access both for interrogation and at a subsequent stage, definitely his extradition. हेडली और राणा के साथ लश्कर से जुड़े हुए हैं और इसी को खंगालने FBI की टीम पाकिस्तान में है। NIA को ये सूचना भी FBI से मिलेगी। अमेरिका भी अब ये समझ चुका है कि अगर उसे हेडली और राणा के आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है तो वो भारत की मदद के बिना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि देर से ही सही, अब अमेरिका को भी भारत के साथ सूचनाएं बांटने में कोई हिचक नहीं। रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक।